हेलो फ्रेंड्स, कोकोविंग के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एग शेल्स की, अंडे के छिलके। वो बहुत ही लाभदायक होते हैं आपके पेड़ों के लिए, उसमें काफ़ी कैल्शियम होता है। खासकर जो टोमेटो प्लांट होता है उसमें अगर आपको कुछ भी पैचेस दिख रहे हैं, जैसे कि पिक्चर में दिखाए गए हैं इतने बड़े, आपको छोटे पैचेस भी दिख रहे हैं, तो वो कैल्शियम डिफिशेंसी से होते हैं, जो कि आप अगर एग शेल्स को यूज़ करेंगे तो आप उसको हटा सकते हैं, अपने पेड़ को हेल्दी बना सकते हैं। दूसरा एक और जो पौधा है जिसको कि कैल्शियम बहुत पसंद है, वो होता है रोज़, गुलाब के पौधे। गुलाब की पत्तियां आप देख सकते हैं, अगर उसमें आपको डेफिशिएंसी दिख रही है तो उसमें भी आप एग शेल्स की फर्टिलाइज़र मिला सकते हैं और उसको भी आप हेल्दी बना सकते हैं। एग शेल के कॉम्पोस्ट बनाने के लिए ये आप अपने वेट वेस्ट में भी बना सकते हैं, जो किचन वेस्ट निकलता है उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके छिलके बहुत मोटे होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए वो डीकम्पोज होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। 6 महीने से 3 साल तक भी लोगों ने एक्सपेरिमेंट करे हैं लेकिन वो डीकम्पोज नहीं होते। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप एग शेल्स को एक जगह इकट्ठा कर लें, थोड़े दिन जब आपके कुछ एक क्वांटिटी इकट्ठी हो जाए तो आप उसको पाउडर कर दें, और उस पाउडर जो हो रहा है आपका वो आप अपने इसमें वेट वेस्ट कॉम्पोस्ट में मिला दें और फिर उस जो भी कॉम्पोस्टिंग प्रोसेस है वो होने दें। कॉम्पोस्टिंग के लिए हम कोकोपिट अगर यूज़ करते हैं तो उसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। कॉम्पोस्टिंग में, होम कॉम्पोस्ट में आपको स्मेल आती है, वो नहीं आती कोकोपिट यूज़ करने से, और वो वाटर भी एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो आपकी जो कॉम्पोस्टिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है क्योंकि आपकी गीली नहीं रह जाती कॉम्पोस्ट जो है। तो आप ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए और कोकोपिट यूज़ करके और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना के अपने प्लांट्स को हेल्दी रखें। थैंक यू।